broken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration. न्यूयॉर्क का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। सो उस दिन जब मैं घर से निकली तो मैं कुछ प्लान करके नहीं निकली थी कि मुझे कहाँ जाना है। सो मैं बस अनप्लान्ड निकल गई थी एंड फिर आधे रास्ते जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे रूजवेल्ट आइलैंड जाना है। एंड आप लोग को तो पता ही है कि मैं ऐसी ही हूँ, कभी भी कुछ भी करती रहती हूँ। लेकिन उस दिन का जो एक्सपीरियंस था गाइस, वो एकदम वंडरफुल था। एंड मुझे पता है कि ये वीडियो आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर चपर, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो हे गाइस, मैं निकल चुकी हूँ घर से, लेकिन आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है निकलने में। सो अभी मैं कैब में हूँ, कैब बुक किया है हम लोग ने, एंड अभी मैं जा रही हूँ न्यू ब्रंसविक स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ूंगी। तो सबसे पहले तो मैं पहुंच गई न्यू ब्रंसविक स्टेशन, जहां से मुझे पकड़ना था 11:30 की ट्रेन। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली है। पेंसिल्वेनिया स्टेशन से बाहर निकली हूँ एंड अभी कहाँ जाऊंगी आई हैव नो आइडिया। देखते हैं कहाँ जाया जा सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेशन से निकलते ही मैं चली गई सीधा सबवे, एंड सबवे से मैं वहाँ पे चली गई जिस साइड पे क्वींस जाने के लिए मेट्रो मिलती है। गाइस, मुझे जो मेट्रो मिली थी ना, वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल थी एंड मुझे तो बड़ा ही मजा आया देख के। एंड इसके बाद मैं सीधा पहुंच गई वहां पे जहां पे रूजवेल्ट आइलैंड जाने के लिए ट्राम राइड मिलता है। गाइस, वो जो दूर से देख रहे हो, एक ट्राम आ रहा है हवा में लटकते हुए, उसी ट्राम पे करके मैं जाने वाली हूँ रूजवेल्ट आइलैंड। एंड सच बताऊं तो गाइस, इसको देख के मुझे इतना ज्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊं आपको। क्योंकि मैंने इतना ऑसम ट्राम सच में पहले कभी नहीं देखा। Guys, just take a look at the view. And guys, I can definitely say this, कि ये जो tram ride है ना, ये मेरे life का one of the best experience है। Bye.
गाइस सच्ची बताती हूँ, मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा मजा आया इस ट्राम राइड पे। पहुंच चुके हैं एंड सच बताऊं तो द ट्राम राइड वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस। आई मीन मैंने ऐसा ट्राम पहले कभी नहीं चढ़ा एंड इट वाज जस्ट ऑसम। अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो सच में बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर जाती। इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। आई मीन ये जो आइलैंड है ना रूजवेल्ट आइलैंड, ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं है तो यहाँ के बस लोकल लोग ही इसके बारे में जानते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत खाली खाली भी है एंड बहुत पीसफुल है एंड यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है तो आप एकदम शांति से व्यू का मज़ा ले सकते हो। तो आई से आप अगर कभी आते हो US तो एक बार ज़रूर रूजवेल्ट आइलैंड आना, वरना सच में मिस कर जाओगे। एंड द ट्राम राइड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, तो उसको तो आप मिस बिल्कुल मत करना। सो ये आइलैंड घूम के देखने के लिए यहाँ का एक बस सर्विस है जो यहाँ से छोड़ता है, तो इसी आइलैंड के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साइड से लेके बस सर्विस प्रोवाइडेड है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो अगर आप चाहो तो इस बस पे करके ये पूरा आइलैंड घूम के देख सकते हो। तो मैं भी वही बस पकड़ने वाली हूँ। अरे यार मेरे को आज घर नहीं जाना है यार, मुझे यही रह जाना है। कितना खूबसूरत आइलैंड है यार। सो गाइस अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है लाइट हाउस पार्क। ये एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है रूजवेल्ट आइलैंड का। तो अभी मैं ये घूम के देखने वाली हूँ एंड आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, मेरे पीछे उस साइड पे लाइट हाउस है। लाइट हाउस मेरे पीछे एंड अनफॉर्चुनेटली इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, वरना मेरा तो बहुत मन था कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँ वहाँ पे एंड वो शोले का वो जो सीन था ना बसंती एंड मौसी जी, वो टंकी वाला सीन वो वाला करूँ, बहुत मन था सच में, लेकिन वो हो नहीं सकता। Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus.
अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दो एंड मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी वो जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।